इस वीडियो में आपको बताएंगे निकले मेथड से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है। सबसे इजी होता है, बड़े बड़े नंबर का भी डिवाइड इजी से कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है करना, आपको ऐसे लाइन बनानी, फिर आपको ऐसे लाइन बनानी। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर हमें लिखना है यहाँ पर। अब ये नंबर किससे क्लोज है, 100 है क्लोज, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 100। कितना गैप आ रहा बीच में, 3 का गैप आ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ 2 नंबर है तो यहाँ भी 2 नंबर होने चाहिए, तो 0 होना था। अब यहाँ 2 नंबर है तो पीछे से 2 नंबर है ना, लास्ट वाले जितने 0 होते हैं उतने ही पीछे से नंबर यहाँ लिखना होता है। अब बाकी बचा नंबर एक 1 है और एक 2 है, वो अंदर लिख देंगे। अब क्या करना है आपको, हर बार एक एक नंबर आगे लेके जाना है। पहले 1 लेके आएंगे यहाँ पर और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, कितना होता है 0 और 3। अब इस नंबर को भी आगे लेके आएंगे यहाँ पर, 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके 0 6 हो जाएगा। ऐड कर लो, ये 1 होता है पीछे बच गया 1, जैसे इधर जाते हैं फिर ऐड कर लेना है। बस यहाँ इन इन अक्षरों को ही करना है, कितना आएगा 81। ये आएगा कोशेंट और ये आएगा रिमाइंडर। इससे हर तरह का डिवाइड कर सकते, कोई भी डिवाइड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है। मतलब ये नंबर क्या है 100 क्लोज है, थोड़ा सा क्या इजी हो जाएगा, मतलब यही नंबर आएगा इजी हो जाएगा। नंबर कुछ बड़े हो जाते हैं ना यहाँ पर, जैसे मान लो आपने 87 ले लिया या 91 ले लिया, तो यह नंबर बड़ा आ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वरना आंसर तो आ जाएगा आपके उस मेथड से भी आ जाएगा। इस पर कोई भी डिवाइड कर सकते हैं, कैसा भी, मैंने किया भी है और होता भी आराम से। अब ये वाला, इसको भी आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले ये जो नंबर है ना वो आपको यहाँ पर लिखना है, इसकी तरह ही लिख दिया, इसकी तरह ही बेस लेना है, तो हमें भी यहाँ क्या लेना है, बेस कितना आएगा 10। ये नंबर इससे ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 प्लस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने प्लस किया तब ये बना, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। अब आगे देखो, यहाँ इसमें 0 1 टाइम, यहाँ 2 10 था तो 2 नंबर बाहर लिखा, या 1 टाइम 0 है तो 1 1 को ही बाहर लिखेंगे, बाकी को हम यहाँ लिख देंगे। अब ये नंबर हम यहाँ आगे लिखेंगे, कितना होता है 3 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने यहाँ किया था 2 से, ऐसे हमें क्या करना है, 1 से भी किया था 2 से भी किया था, तो यहाँ भी करना है 3 2 6, इन दोनों के साथ मिलेंगे, यहाँ कितना आता है आपके 7। और यहाँ ऐसे जो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा ना, एक बार में एक नंबर याद, मतलब कि 7 2 कितना होता है 14, तो आपको लिखना है यहाँ पर 14 लिखना है, वो भी एक ग्रुप में, मतलब पूरा एक ही मानना, अलग अलग नहीं मानना, क्योंकि यहाँ सिंगल नंबर है ना, तो अगर यहाँ अगर बीच में भी मानते तो डबल नंबर मानते, बीच में भी अगर मानना हो तो डबल नंबर, तो यहाँ लिखेंगे आगे ट्रांसफर करेंगे। अब देखो ये कितना होता है आपके 15 होता है। अब मैंने यहाँ क्वेश्चन क्या था आपके 97, तो रिमाइंडर उसे कम होना चाहिए और कम ही है यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ अगर क्वेश्चन 8, जब रिमाइंडर कितना आ रहा है 15, रिमाइंडर कभी भी क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ तक हमने डिवाइड कर लिया कम्प्लीटली। अब 15 में से क्या करेंगे, हम हमेशा एक नंबर होता है ना वो 8 के बराबर होता है, तो यहाँ 8 है ना, इसलिए ये 8 है ना, 8 1 8, मतलब यहाँ पर इसमें से हम 1 8 माइनस कर देंगे और इधर एक ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो होता है ना, एक आंसर होता है आपका, ऐसे इसमें इसका डिवाइड करेंगे, ऐसे कर लो रफली डिवाइड, कितना गया 1 10, ठीक है ना, बस 7। ये वाली चीज़ हमें यहाँ लिखनी है, और एक क्वेश्चन और बढ़ गया तो यहाँ बढ़ा दो, कितना हो गया 38 हो गया, ऐसे आपको यहाँ से बढ़ाना है। अब ये देर का इसमें क्या करना है आपको, ऐसे बनाना है ब्रैकेट्स, ये जो नंबर देर का है आपको वो यहाँ लिखना है 88। अब बताओ बेस कितना आएगा 100, कितना कम पड़ रहा है 12, ऐड कर लेंगे। अब ये जो देखो यहाँ 20 है, पीछे से 2 नंबर हम यहाँ लिखेंगे और आगे वाले 2 नंबर हम यहाँ लिखेंगे, इस 1 को यहाँ आगे नीचे कैरी कर लेंगे, यहाँ पर उतार देंगे। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा 12। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आता है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से कितना आता है आपके 12। अलग लेना है नंबर, अलग है ना, अलग अलग लिखेंगे,
ये कितना होता है आपके 5 और ये कितना होता है 4, ये आया क्वोशेंट और ये आ गया आपके रिमाइंड। आप ऐसे भी डिवाइड करके इसकी चेक कर सकते हो कि ये सही है या नहीं। धन्यवाद।